वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के देवरीपाड़ा इलाके में एक लड़की चाकू से कई लोगों पर वार करने की कोशिश की है और इस लड़की के साथ में इसकी माँ भी थी। आज चाकू लेकर ये लड़की रोड पर हंगामा करने लगी, जिसकी वजह से देवरीपाड़ा इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल बना रहा। करीब 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर ये लड़की हंगामा की। हालांकि इसके हाथ से एक मुन्ना नाम के लड़के ने चाकू छीन लिया और कुछ लोगों ने मिलकर बैठने वाली बेंच से माँ और बेटी दोनों को बांध दिया ताकि ये उठ ना सके, और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। देवरीपाड़ा के आयशा चौल में रहने वाली शहनाज नाम की एक महिला ने इस लड़की को किराए पर अपना मकान करीब 15 से 20 दिन पहले दिया था और तभी से नशे की हालत में ये लड़की चाकू लेकर किसी न किसी पर वार करने के लिए दौड़ती है। इसका खौफ इस तरह से इस इलाके में हो गया है, खास करके इस लड़की के बगल के रूम में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला पर इस कदर इसका डर चढ़ गया है कि वो महिला 3 दिन से अपने ही घर में नहीं गई है, वो रास्ते पर ही रह रही थी, क्योंकि इस लड़की ने उस बुजुर्ग महिला पर भी हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि जिसके मकान में ये लड़की रह रही है, मकान मालकिन शहनाज पर भी इसने हमला किया था और एक औरत के ऊपर इसने मिर्ची भी डाली थी। इस तरह से इस लड़की ने नशे की हालात में, बताया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि नशे की हालात में इस लड़की ने कई लोगों के ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश की है और आज शाम के वक्त करीब 2 से 3 घंटे तक ये चाकू लेकर लड़की रोड पर हंगामा करती रही, यानी कि वार करने की कोशिश करती रही, मगर किसी तरह से लोगों ने, एक मुन्ना नाम का लड़का था जिसने चाकू इस लड़की से छीना और कुछ लोगों ने मिलकर इसे बेंच पर बांध दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और इस लड़की को और इस लड़की की माँ को अपने साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन लेकर आया गया। इस मामले में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है सुन। क्या नाम है आपका? शहनाज सादिक शेख। अच्छा, आपने किसको किराए पे घर दिया था? अरे मेरा 1 महीने से रूम खाली था, मैं गांव गई थी तो बाजू वाली खाला के पास चाबी थी मेरी, तो फोन दलाल का आया कि रूम देना है क्या, तो बोले, मैं बोली नहीं अभी आके दूंगी, तो बोले नहीं अभी दे दो, बोले खाली है, वो बच्ची एक अपंग है बेचारे के पास, बोले उनको रहने को ज़्यादा नहीं, तो बोली दे दो, तो अब मालूम नहीं है कि वो कैसे लोग हैं, वो बटन खाती, चरस पीती लड़की, सब बुरे काम करती है, अब हमको नहीं पता है 20 दिन में आने तक के दुनिया को कितनी परेशान करी, किसको मिर्ची वाली है, किसको सुन में आया कि इधर वार और भी कर दी उसने, आपके ऊपर भी वार किया था? मैं कल परसों दिन गई तो मेरे पर छुरी से वार कर दी, कल पूछने के लिए गई तो कल बैलेंस ही मारी, ये सब मारने के लिए उसको पागल नहीं है और सब करने के लिए वो पागल है। कोई औरत को भी इधर चाकू लेके हमला आजू बाजू में भी करी है, रोड पे भी नीचे उतर के सबको छुरी चाकू से मारी है, ऊपर से मारी है, कोई आने जाने वाले को जाने नहीं दे रही है, और आजू बाजू रूम वाले दिन से हंगामा कर रही है, अभी 20 दिन से कर रही है इधर, जिस दिन मैं गई बस दूसरे दिन जब से मतलब किराए पे आई है। हाँ, किराए कितना दिन हुआ किराए पे आई? 20 दिन हो गए, अभी मैं अच्छे से गई उसको समझाने के लिए तो मेरे को चाकू से वार कर दी। तो अभी पुलिस स्टेशन आप लोग लेकर गए थे? पुलिस स्टेशन लेके गए, अभी वहाँ से बड़े साहब को भी वही उल्टी सुलटी बात करने लगे, तो बड़े साहब बोले लेके जा ताला मार दे और निकाल दे उसको, अभी खाली करा दिए। खाली करा दिया? हमीदर से। क्या हुआ था यहाँ आपके पड़ोस में? हमारे पड़ोस में पहले दिन आई ना वो, तो मैं क्या बोली, खाली ताला चाबी मेरी मेरे को दे दे तुम्हारा तुम लगाओ, तो वैसा क्यों बोले, बोलते मारने को क्या लेके आई थी पता नहीं मैंने, तो उसके बाप ने पकड़ी, जो सच्चे वो बोल रही थी। हाँ, कब हुआ था ये? 2-3 दिन हुआ? 2-4 दिन 8 दिन हो गए, जब से ना खाए ना सो रहे। कहाँ रह रहे आप अभी? नीचे घूम रहे। घर पे नहीं जा रहे? नहीं। क्यों? मारी ही ना, डर के मारे जा रहे। तो अभी इसको तो पुलिस ले गई ना? अब लेके भी गए तो फिर चढ़ेगी वो। तो आप कब तक नहीं जाओगे घर पे? नहीं जाऊंगी, कहीं सो जाऊंगी। घर खुला है, ताला वाला लगाया? ताला नहीं, तो एक्चुअली वो कैसा है कि ऊपर जब उसको घर दिए ना रहने के लिए, तो वो किसी को भी छोड़िए चाकू कैसी, मेरे को भी कैसी मारने की। कितने बजे से हंगामा कर रही है? हंगामा कर रही है वो 2 बजे से कर रही है। 2 बजे इसके पहले भी उसने कुछ मिर्ची वगैरह डाली थी? मिर्ची वगैरह भी कुछ लोगों पे डाले? पड़ोसी है ना, उनको 2:30 बजे तक रात को दरवाजा ठोकती है वो, और उसके बाद में उसके हाथ में मिर्ची की भुकी डाली। क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्या उसको पकड़ने आई ना तो मेरे पे कैंची चलाई? पता नहीं वो लोग, मतलब बहुत सालों से उन लोग ऐसे नाटक।